पर मेरा एक C++ का प्रोग्राम है जो मैं VS कोड में रन कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, इसमें दो नंबर हम ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर हम यूजर से वैल्यू को ले रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है अगर आप इसे रन करोगे तो? ठीक है, पहले इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद जब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम देगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम्स क्या होती है, और आप यहाँ पर से टाइप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको टाइप नंबर दे रहा है तो आप यहाँ पर टाइप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं और ये आती क्यों? ठीक है, देखो यहाँ पर आपका कोड रन हो रहा है आउटपुट में। ठीक है, तो आपको कहाँ पर रन करना है, ये करना है टर्मिनल में। यहाँ पर आप टाइप नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ देख सकते हैं आउटपुट को कि यहाँ पर आउटपुट अगर आप हेलो वर्ल्ड लगते हैं तो वो यहाँ पर दिखा देगा, वरना आप यहाँ पर टाइप नहीं कर पाओगे। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको करना क्या, सबसे पहले यहाँ पर हम रोक देते हैं एंड इसके बाद आपको फाइल्स पाना है। फाइल पाने के बाद आपको प्रेफरेंसेस माना है, सेटिंग्स के अंदर आना है आपको, और आने का जस्ट मैं इसे नीचे कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है कोड रनर। ठीक है, जैसे आपको नीचे आना है एंड नीचे आते रहना और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा रन इन टर्मिनल, तो आपका कोड टर्मिनल पर रन होगा। ठीक है, यहाँ से करना, इसे भी कर देना सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन। इसका मतलब होता है कि आपकी सारी फाइल सेव हो जाएंगी बिफोर रन होने से पहले। ठीक है, इसे भी कर देना सेव फाइल बिफोर रन, इसे क्योंकि इससे क्या होगा, आपको फाइल सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी रन होने से पहले। तो ये करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर इसे काट देना, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड को दोबारा ओपन करना है एंड अगर अब आप इसे रन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो कोड होगा वो टर्मिनल में रन होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने रन कर दिया इसे, तो यहाँ पर देख सकते हो पहले आउटपुट में हो रहा था, अब टर्मिनल में होगा। तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, लाइक मैं टाइप कर देता हूँ 30 and 40, तो यहाँ पर ये ऐड करके दे देगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो, ये आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो कोड रहा था वो आउटपुट में हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर अब होगा टर्मिनल में, यहाँ पर ऑटोमेटिकली टर्मिनल में रन होगा। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग गाइस।